हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम टॉरिसेलीज लॉ और स्पीड ऑफ ईफ्लक्स। स्पीड ऑफ ईफ्लक्स के बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है और जो कि हमारा टॉरिसेलीज लॉ बताता है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ ईफ्लक्स है क्या? ईफ्लक्स क्या होता है? किसी चीज़ का आउटफ्लो, ठीक है ना, किसी लिक्विड का आउटफ्लो, तो उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ आउटफ्लो ऑफ दैट सब्सटेंस या जो भी हमारा लिक्विड है, क्लियर। तो आउटफ्लो ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज द स्पीड ऑफ ईफ्लक्स, क्लियर। अब देखो जरा इसको समझते हैं कि क्या बताया था टॉरिसेली लॉ ने। जैसे मान लो आपके पास ये एक टैंक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक टैंक बनाया इस तरीके से, और इस टैंक में यहाँ पर मैंने एक होल किया छोटा सा, ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ पर वाटर है एक तरह से, ये मान लो आप कोई लिक्विड है, क्लियर। अब आपको पता ही है, जैसे आपने देखा ही होगा, यहाँ पर छोटा सा आप छेद करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, ये लिक्विड बाहर आएगा और इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा, बताओ, ठीक है, इसी तरीके से होता है। तो ये जो लिक्विड किस स्पीड से आ रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ ईफ्लक्स, ठीक है ना। ईफ्लक्स मतलब क्या है? किसी चीज़ का आउटफ्लो, ठीक। तो यहाँ पर वाटर का आउटफ्लो है, दैट इज द स्पीड कितनी है यहाँ पर इसकी, वाटर की अगर हम बात करें तो दैट इज द स्पीड ऑफ ईफ्लक्स, ठीक है। और इस छोटे से जो छेद है यहाँ पर, ये हमारा जो छोटा सा छेद किया है यहाँ, इसे बोलते हैं हम ऑरिफिस। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑरिफिस, ठीक है। क्या होता है ये? स्मॉल होल, ठीक है। क्या है हमारा ये? स्मॉल होल बोलते हैं हम इसको यहाँ पर, ऑरिफिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको पता चल गई, ईफ्लक्स क्या है, आउटफ्लो, ठीक है, दैट इज द स्पीड ऑफ आउटफ्लो ऑफ लिक्विड, क्लियर, इस तरीके से समझ सकते हो। ऑरिफिस क्या होता है? हमारा छोटा सा एक होल है यहाँ पर, क्लियर। अब देखो जरा यहाँ पर ये क्या कहता है टॉरिसेली लॉ, क्या कहता है? कहता है जो भी स्पीड यहाँ पर होगी इसकी, इस वाटर की, ये किसके इक्वल होगी? जैसे मान लो ये जो होल है हमारा, ये इतनी हाइट पे है, ठीक है, मतलब सरफेस ऑफ लिक्विड है ये, इस सरफेस ऑफ लिक्विड से ये जो होल बनाया है हमने, कितनी हाइट पे बनाया है? स्मॉल एच हाइट पे बनाया। तो जो टॉरिसेली है वो क्या कहता है? कहता है जो भी स्पीड यहाँ इस लिक्विड की होगी वो किसके इक्वल होगी? कि अगर हम इतनी ही हाइट पे, मान लो ऐसे समझ लो आप, ठीक है, इतनी ही हाइट से अगर मैं यहाँ से कोई बॉल गिराऊँ, मान लो इस तरीके से समझ लो, ठीक है, कोई बॉल गिराऊँ, कुछ भी ऐसे समझ लो, किसी चीज़ को फ्री फॉल कराऊँ, तो हम जैसे क्वेश्चन नहीं करते थे कि यहाँ से हमने फ्री फॉल कराया इतनी हाइट h पर, और बताओ वो किस वेलोसिटी से यहाँ हिट करेगी, है ना, ग्राउंड पे वो किस वेलोसिटी से हिट करेगी? तो जो वो वेलोसिटी होती है, अब जीरो मत मान लेना, ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा आपको बात, ठीक है ना। ग्राउंड पे कई बच्चे कहते हैं वेलोसिटी जीरो होती है, ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से टकराई है वो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तब तो कोई वेलोसिटी थी ना, वो तो ग्राउंड पे टकराने के बाद जीरो हुई, वो बात नहीं कह रहे हैं। ग्राउंड से टकराने से पहले, जस्ट पहले क्या वेलोसिटी थी, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि किस वेलोसिटी से वो टकराई। तो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी निकालते थे वही वेलोसिटी यहाँ पर किसकी होगी? इस ईफ्लक्स की होगी। वो अलग बात है, यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है और यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, लेकिन जो भी वेलोसिटी इसकी होगी वही वेलोसिटी से ये ईफ्लक्स यहाँ पर निकलता है, ठीक है, स्पीड से, क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो जरा, आपको ये चीज़ पता है, जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, जो फ्री फॉल होता है वो किस तरीके से होता है, हम बोलते हैं यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। फाइनल कुछ वेलोसिटी होगी, एच हाइट पे है और एक्सेलरेशन जी है, तो हम इसमें अगर थर्ड इक्वेशन लगाते थे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू में टू जी एस है, तो यहाँ एच हो जाएगा ये डिस्टेंस वाला, तो वी हमें निकालना है, यू हमारी जीरो है और ये टू जी प्लस का ही रहेगा बिकॉज ये डाउनवर्ड है, डायरेक्शन में आ रहा है, और एच हमारा एच है, ठीक है। तो यहाँ से वी कितना आ जाता है हमारा? टू जी एच, और स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर हटेगा, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, दैट इज़ अ टू जी एच, पता है ना, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वेयर रूट से ये स्क्वेयर कट जाता है, तो हम सिंपली बोल देते हैं कि स्क्वेयर हटेगा तो इधर स्क्वेयर रूट आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी आती है अगर फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये कह रहे यही वेलोसिटी इसकी होगी ईफ्लक्स की। अब ये हम निकाल लेंगे किससे? बर्नौलिस से निकल जाएगा, देखो यही आएगा आंसर हमारे पास, देखो अब समझते हैं। देखो अगर हम ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है, इसको हम मान लेते हैं ये है वी टू, और यहाँ जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है ए टू, और यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज़ ए वन, एंड यहाँ पर जो ये वाटर जो है नीचे फॉल कर रहा है, किस स्पीड से नीचे जाएगा? वी वन। अब ये तो पता ही ना आपको, यहाँ से पानी निकल रहा है तो ये चीज़ यहाँ से भी नीचे तो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये स्पीड हमारी बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल, हम जीरो मान लेते हैं बिकॉज ये पता भी नहीं चलता हमें किस तरीके से नीचे आ रहा है, अगर ये बहुत छोटा छेद है तब, ठीक है ना, पता भी नहीं चलता है किस तरीके से खाली हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद देखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, आपको पानी महसूस होगा कि अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, लेकिन देखने में कुछ नहीं पता चलेगा कि पानी नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ से तो पता चलेगा पानी ऐसे जा रहा है, क्लियर है। अभी समझते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। देखो यहाँ पर हम जो कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ए1 जो है हमारा वो
बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू ए टू, क्लियर, या फिर हम कहें ए टू बहुत ही छोटा एज कम्पेयर टू ए वन। तो इस केस में देखो, अगर हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं यहाँ पर, ये पॉइंट मान लो हमारा ए पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, या पी मान लो, ये पी पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है हमारा क्यू, ठीक है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएं हम यहाँ पर, अब कई बच्चे कहते हैं ये यहाँ है पॉइंट, ये यहाँ है, ये कैसे हो रहा है। अब इसको ना ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे ये अलग अलग चीज़ें ना समझ में आ रही हो ना, देखो ये ऐसा भी हो सकता है इक्विपमेंट, अगर ऐसे मान लो आप, ऐसे मान लो ये किस स्पीड से आ रहा है, यहाँ V2 है, ये A2 है, यहाँ पर ये A1 है और ये V1 है वाटर जो आ रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हो ना, अगर हम बर्नौलीज की बात देखें तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट ले लें हम, तो ये वाली जो है इसकी हाइट h हो गई, यही मैंने h मानी है, ठीक है। अभी बर्नौलीज लगाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर हम यहाँ लगाएं, तो हमें पता है क्या होता है हमारे पास, ए वन वी वन इक्वल टू में ए टू वी टू। अब यहाँ से आप वी वन की वैल्यू निकालो, देखो ए टू बाई वी टू अपॉन में ए वन। अब ए टू तो क्या है हमारा, बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, और ए वन जो है बहुत ही बड़ा है। अब अगर ए टू बहुत छोटा है, मान लो अगर कोई चीज़ हम कहें कि टू है, ठीक है, या वन मान लो आप वन है, और एक चीज़ है थाउजेंड ऐसे, तो जब ये डिवाइड आएगा तो ये कितना आएगा, 0.001 ये वैल्यू बनती है इसकी। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा, अगर ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही बड़ा है, डिवीजन होगी तो अप्रॉक्सीमेट जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से वी वन जो होगा अप्रॉक्सीमेट हमारा जीरो आ जाएगा, बिकॉज क्या है हमारा, ए टू बहुत बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू ए वन, या ए वन बहुत बड़ा है ए टू से, ऐसे समझ लो। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई, बताओ ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास रफ था, क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये जो है टॉरिसेली लॉ कब एप्लीकेबल है, जब हमारा ये बहुत ही छोटा है, ये यहाँ पर होल जो इस टैंक में किया है और ये एरिया बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तभी ये टॉरिसेली लॉ आएगा। अब देखना यही वेलोसिटी आ जाएगी जो कि फ्री फॉल वाली की है ना, वही यहाँ से इसकी आएगी वी टू वाली। वी टू ही क्या है हमारी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स है। देखो अब यहाँ पर लगाते हैं हम, देखो नाउ अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम। देखो जी, आपको पता ही है उसमें क्या होता है, अगर यहाँ हमारा ये पॉइंट P है, ये हमारा Q पॉइंट है, तो ये वन वन वाले ले लिए हैं हमने और ये वाले टू वाले ले लिए हैं, ठीक है। देखो अब अगर हमें पता है तो वो हमें पता है P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस में रो G H1 इज इक्वल टू में P2 प्लस में वन बाई टू रो V2 स्क्वायर, ये पता ही होगा बर्नौलीज में, प्लस में सॉरी रो G H2 ये आएगी। अब देखो जरा यहाँ पर वन वाले में, देखो यहाँ पर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, ये पी नोट हम ले लेंगे, तो पी वन की जगह हमने पी नोट लिख दिया, वन बाई टू रो, और यहाँ स्पीड कितनी है, ये वी वन है जो कि हमारी क्या हो गई है ज़ीरो, तो हमने इसको ज़ीरो ले लिया, प्लस रो जी। अब देखो इसमें हमने रेफरेंस पॉइंट ये ले लिया यहाँ पर, ये मान लो ऐसे, ठीक है ना, ये रेफरेंस पॉइंट लिया है हमने, तो यहाँ से हमने देखा हाइट इस पॉइंट की तो है एच, लेकिन इसकी क्या है ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी h है तो मैं यहाँ पर h1 की जगह h लिख दूँ। अब देखो यहाँ पर टू पॉइंट पे p2 कितना होगा हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा यहाँ पर भी, तो ये भी कितना हो जाएगा p0 प्लस में वन बाई टू रो v2 हमें निकालना है। अब देखो रो g, अब यहाँ पर हाइट तो कुछ रही नहीं, ये रेफरेंस पॉइंट लिया हमने अगर, तो ठीक है, तो ये h तो इसके लिए था, इसके लिए तो कोई हाइट नहीं है, तो ये हम क्या ले लेंगे यहाँ पर ज़ीरो ले लेंगे, क्लियर। तो यहाँ से देखो ये P नोट से ये P नोट कैंसिल हो जाएगा और ये तो जीरो ही हो गया। इधर क्या बचा हमारे पास, रो जी एच इज इक्वल टू में वन बाई टू रो वी टू का स्क्वायर, और ये टर्म भी क्या हो गई हमारी जीरो ही हो गई, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ से आप, टू इधर जाएगा, देखो ये ऐसे आ गई ना, रो जी एच इज इक्वल टू में वन बाई टू रो वी टू का स्क्वायर। अब देखो ये टू इधर जाएगा, तो या आप रो से ये वाला रो काट दो, अब टू इधर लेके जाओ तो टू जी एच इज इक्वल टू में वी टू का स्क्वायर, और यहाँ पर v2 क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, और ये स्क्वायर इधर जाएगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगी ये वैल्यू, तो रूट में 2gh आ गई, दैट इज द स्पीड ऑफ किसकी है ये बताओ आपके पास, ई फ्लक्स की है। तो देख लो ये वही नहीं आ गई आपके पास जो कि एक फ्री फॉल के लिए हमने कहा था। तो टॉरिसेली लॉ यही कहता है कि जो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होगी वो क्या होती है आपके पास, एक नॉर्मल अगर हम फ्री फॉल कराएं उतनी ही हाइट पे जितनी की हमने क्या ली है, डेप्थ ली है इस ओरिफेस की, ये डेप्थ है ना सरफेस से, तो इतनी हाइट से अगर हम कोई फ्री फॉल कराएं तो उसकी जो स्पीड होगी, ठीक है ना, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड,
तो वो क्या होगी, वो वही स्पीड होगी जो कि यहाँ स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, क्योंकि तो वो हमने यहाँ निकाल भी थी बर्नौली से और वैसे भी आपको यहाँ पर ये करके दिखाई हमने, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसकी देखो आप ये समझ सकते हो जो यहाँ पर हमारे पास ये लिखी हुई है स्टेटमेंट, वो क्या लिखी हुई है, कहता है इट स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, दैट इज द वेलोसिटी, अब देखो इट स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ यानी कि आउटफ्लो ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज द वेलोसिटी विद विच अ लिक्विड कम्स आउट, वही बात है जो मैं बोल रहा हूँ। क्या मतलब है फ्लक्स का, द वेलोसिटी विद विच द लिक्विड कम्स आउट ऑफ एन ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब जो छोटे से इस होल में से आती है, ठीक है, क्लियर है, अब समझ में आई वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या होती है, वेलोसिटी किसकी, विद विच द लिक्विड कम्स आउट, ठीक है ना, लिक्विड कम्स आउट है, ठीक है, ऑफ एन ऑरिफिस इस छोटे से छेद में से, इज इक्वल टू दैट, किसके इक्वल होती है वो, विच अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी वुड एक्वायर, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्वायर करती है इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू डेप्थ ऑफ एन ऑरिफिस, जितना ऑरिफिस की डेप्थ का डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस से अगर हम फ्री फॉल कराएं तो जितनी इसकी स्पीड होगी वही किसकी होती है, हमारी स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होती है। तो वही लिख रहा हुआ है, फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस जो कि होती है हमारी बिलो द सर्फेस ऑफ द लिक्विड। तो सिंपल भाषा में ये समझना है आपको कि जो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होती है वो किसके इक्वल होती है, जो कि अगर एक फ्री फॉल बॉडी को हम फॉल कराएं उतनी ही हाइट से जितनी की ओरिफेस हमारा डेप्थ में है, ठीक है ना, सरफेस ऑफ द लिक्विड से, तो उतनी अगर हाइट से हम इसको फ्री फॉल कराएं तो जो वेलोसिटी आती है वही वेलोसिटी क्या है हमारी, ई फ्लक्स की होगी, यानी कि इस लिक्विड के आउटफ्लो की होगी। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया टॉरी सेली लो, ठीक है। तो ये तो हमें फॉर्मूला पता चल गया, ठीक है, क्या होती है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेंज की, रेंज, रेंज मतलब क्या कि जब ये वाटर यहाँ निकल रहा है, ठीक है, तो ये रेंज कितनी है यहाँ पर, जैसे हम करते थे पैराबोलिक जो पाथ हम फॉलो करवाते तब रेंज वगैरह भी निकालते थे, आपको याद हो, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से, जैसे मैंने कहा ये एक टैंक है मान लो, ठीक है, इस तरीके से ये एक टैंक है और ये ऑरिफेस हो गया और ये पड़ा है यहाँ पर लिक्विड इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या एजम्पशंस करूँगा थोड़ी सी, देखो यहाँ से ये वाटर निकल रहा है और ये मान लो ये यहाँ पर आ रहा है, क्लियर, इस तरीके से, तो ये रेंज हमें निकालनी है, क्लियर। यहाँ पर ये किस स्पीड से आ रहा है, वी टू की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, और ये हाइट हमने कितनी ली थी इसकी, स्मॉल एच ली थी। अब ये देखो पूरी हाइट हम मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये जहाँ जिस लेवल पे ये गिर रहा है उस लेवल तक हमने इसको मान लिया ये हाइट एच है, ठीक है, क्लियर है ना, ऊपर से लेके पूरे टैंक की ले ली हमने हाइट, ठीक। तो अब ये वाला जो पार्ट है ओरिफिस से नीचे इस ग्राउंड तक, ये कितनी हाइट हो गई, कैपिटल एच माइनस में एच, इतनी हाइट हो गई, क्लियर। अब देखो जब भी हम रेंज निकालते हैं तो रेंज दैट इज किस, कौन सी रेंज है ये हमारी बताओ, ऐसे एक्स एक्सिस वाली होती है, ठीक है, तो जो रेंज होती है हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेंज मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, स्पीड इनटू में टाइम, है ना। तो स्पीड क्या है यहाँ पर बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो ये वी टू ही है हमारी, तो ये वी टू हो गई हमारी स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। अब देखो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स तो पता है हमें रूट में टू जी एच है, लेकिन टाइम नहीं पता। अब ये टाइम हम कैसे निकाल लेंगे, देखो फॉर टाइम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे अलोंग वाई एक्सिस हम लेंगे, वाई एक्सिस में क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग हमें वाई के लिए ये डिस्टेंस पता है, एक्स का तो ये रेंज वाला हो गया, लेकिन हमें पता ना इंडिविजुअल हम स्टडी करते हैं, तो एक्स की या वाई की, ठीक है, तो इसकी हम स्टडी करते हैं। अब देखो आप कहोगे वाई के अलोंग फिर तो यहाँ से टाइम आएगा, अब देखो कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है गिरेगी तो उतने ही टाइम में, जितनी एक्स के अलोंग गिर रही है उतनी ही वाई के अलोंग, मतलब क्या है टाइमिंग तो सेम है एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग भी यहाँ गिरने का, ये तो बात समझ रहे हो ना आप, एक चीज़ यहाँ मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, तो इसका एक्स अलोंग भी है और वाई अलोंग भी है, यहाँ भी मूव कर रही है, ये एक्स भी है ये वाई भी है, तो इसका जब यहाँ पर ये आएगी इस तरीके से तो इसका जो टाइमिंग है वो तो एक्स के लॉन्ग भी और वाई के लॉन्ग भी सेम ही होगा, तो मैं यहाँ से टाइम निकाल दूँ वाई के लॉन्ग वही मैं एक्स में यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज वाटर तो वही है जो कि एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग चल रहा है, ठीक है ना, टाइमिंग तो नहीं अलग हो सकती ना कि वाई के लॉन्ग अलग आएगी चीज़ और एक्स के लॉन्ग अलग आएगी। अब मान लो आप ही ऐसे मूव कर रहे हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए टाइमिंग तो सेम ही रहेगी ना उसकी नीचे पहुँचते हुए, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला लगाएं और y के लॉन्ग है ये सब कुछ, तो ये y है ये भी y है ये भी y ही है हमारा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें साफ पता है ये एस वाई कितना हो गया हमारा, ये वाला हो गया h माइनस में h यू वाई। अब देखो क्या हो गया, अब देखो जब ये वेलोसिटी इधर ये वाली ऐसे मूव कर रही है ना पर्टिकुलर, ठीक है,
तो ये है, लेकिन y के लॉन्ग अभी क्या है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे इनिशियली ज़ीरो है, तो इनिशियली यू वाई यहाँ ज़ीरो है अगर हम यहाँ देखें तो, ये तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, प्लस में हाफ ए वाई, देखो अब क्या डाउनवर्ड आ रहा है ये, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, प्लस का जी लेंगे। अब देखो कई बच्चे ना यहाँ माइनस का जी लेते हैं इसको, ठीक है, और अगर यहाँ माइनस ले रहे हो तो यहाँ भी माइनस आता है, वो क्यों होता है, अगर इसे रेफरेंस ले लिया हमने तो इसके नीचे माइनस वाई एक्सिस हो जाता है, तो उसके लिए फिर माइनस जी लेते हैं और ये डिस्टेंस भी माइनस में लेते हैं, तो वो माइनस माइनस फिर वो कट ही जाता है, कहानी वही आती है, लेकिन वही कर लो जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। तो ये डाउनवर्ड है तो प्लस का जी रहेगा और साथ में ये टी स्क्वेयर, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ से अगर हम देखें वैल्यू, ये टू इधर जाएगा, टू एच माइनस में एच ये आ गया हमारे पास, और ये वाला जो जी है ये टू इधर चला गया और जी इधर नीचे आ जाएगा, और ये रहा टी स्क्वेयर, तो यहाँ से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट में टू ऑफ h माइनस में h एंड g। अब ये h माइनस h क्या है बताओ, ग्राउंड से ओरिफिस का डिस्टेंस, ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट अगर न्यूमेरिकल में दे रखा हो ग्राउंड से ओरिफिस का डिस्टेंस तो हम टाइम ऐसे निकाल लेंगे, क्लियर है। h माइनस h क्या है, ये ओरिफिस का डिस्टेंस ग्राउंड से, क्लियर है। तो टाइम अगर ये आ गया हमारे पास, हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, देखो v2 हमें पता था रूट में 2gh है, इनटू में टाइम हमारे पास आ गया ये 2h माइनस में h अपॉन में क्या है, g है। अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं पूरे को, 2gh आ गया, रूट में ही है दोनों चीज़ें, तो 2h माइनस में h और अपॉन में g, देखो g से ये g कट गया, 2 2 4 और ये रहा h और साथ में रहा ये h माइनस में h। तो ये देख लो आपके पास ये रेंज आई है, इसका अगर हम फॉर्मूला देख लें सिंपली, तो 4 इंटू में ये क्या है, h कौन सी हाइट है, ये हाइट ऑफ ओरिफिस, या आप ऐसे लिख दो हाइट ऑफ होल फ्रॉम द टॉप होगी ये, ठीक है, और ये वाली h माइनस h क्या हो गई, हाइट ऑफ होल, हाइट ऑफ होल फ्रॉम द बॉटम, ये मान सकते हो आप h माइनस में स्मॉल h वाले को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, तो रेंज ये आ गई हमारे पास, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, सिंपल है कहानी, ठीक है। अब देखो ज़रा ये चीज़ अगर आपके समझ में आ रही है इतनी बातें, तो यहाँ पर जो रेंज है वो हमें पता चल रही है ना, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है ना ही किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, क्लियर, और ना ही टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो रेंज जो है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ इस स्मॉल h पे, यानी कि आपने ओरिफिस यानी कि ये जो होल है ये कहाँ पर किया है, इस हाइट से तो पता चल रहा है ना, इसी पे डिपेंड कर रही है ये। अब आप कहोगे कैपिटल H भी है इसमें, तो कैपिटल H तो फिक्स है ना टैंक का, ठीक है ना, ये जो है आप वेरी करवा सकते हो, ये छोटे वाला छेद जो है यहाँ करोगे यहाँ करोगे तो ये H चेंज होता रहेगा, तो इस H की वजह से ये क्या होगी आपकी रेंज जो है वो वेरी करेगी, क्लियर। अब अगर हम कहें कि मैक्सिमम रेंज की कहानी क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम रेंज में आपको पता है जैसे कोई चीज़ आपके पास होती थी, ठीक है, तो आप क्या बोलते थे उसको कि इस तरीके से बोलते थे कि dy वाई बाई डी एक्स जीरो कर दो, अगर कोई y है हमारा फंक्शन ऑफ x में है तो हम क्या बोलते थे dy वाई बाई डी एक्स जीरो कर दो फॉर द मैक्सिमम कंडीशन, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो सिंपल कहानी है, ठीक। देखो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए r हमें पता है कि कितना है हमारा 4h h माइनस में h। अब देखो r अगर हमें मैक्सिमम करना है यहाँ पर तो dr बाई डी एच, अब यहाँ वेरिएबल क्या है, ये स्मॉल h है, कैपिटल h नहीं है, तो मैं यहाँ तो यहाँ पर ये dr बाई डी एच करूँ इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो मैक्सिमम आ जाएगी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा करना, तो हम क्या करते हैं रूट हटाते हैं यहाँ से, तो रूट यहाँ पर लेके जाएंगे, अगर रूट हटाएंगे हम तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आर स्क्वेयर आ जाएगा, और ये जो स्क्वेयर रूट है स्क्वेयर से कट जाएगा, तो यहाँ सिंपल 4h h माइनस में h आ जाएगा। अब मैं इसको कर सकता हूँ, देखो आर स्क्वेयर है ना ये, तो 4h h माइनस में 4h स्क्वेयर, तो ऑब्वियस बात है अगर मैं डी आर स्क्वेयर बाई डी एच को जीरो कर दूंगा तो वो भी कहानी किसकी आ जाएगी, रेंज की ही आ जाएगी, मैक्सिमम की कहानी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ज़रा आप ये हम करें यहाँ पर डी आर स्क्वेयर बाई डी एच, तो देखो ज़रा इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू h, तो विद रिस्पेक्ट टू h है, तो अगर ये h के रिस्पेक्ट में है तो ये वाली कहानी में क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, 4 और ये h, तो ये 4h आ जाएगा, ये ऐसे है कहानी, देखो जैसे 4h है और x है, ठीक है। तो आपको अगर कोई कहे कि dr by dx करो तो आप क्या करोगे, इसका 4h आंसर लाओगे ना या नहीं लाओगे, जैसे हम 4x की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 4 लिखते हैं कॉन्स्टेंट सिर्फ, ठीक है, तो वही कहानी हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंट लिखेंगे, तो 4 और h लिख दिया, अब इसको हमें पता है 2 4 8 हो गया,
एच और एक पावर माइनस करेंगे तो वन ही रहेगा, ये रहेगा ठीक है, और इक्वल टू जीरो करेंगे फॉर द मैक्सिमम कंडीशन, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम की कहानी के लिए करेंगे ये हम या नहीं। तो यहाँ से देखो जरा, फोर एच इक्वल टू में एट एच आ जाएगा, और यहाँ से मुझे तो ये स्मॉल हाइट चाहिए ना, क्यों स्मॉल एच चाहिए, मतलब क्यों चाहिए, क्योंकि यही वेरिएबल है, तो ये हम रखेंगे यहाँ पर फोर एच बाई एट, फोर टू द एट, तो यहाँ से h कितना आ गया हमारे पास h बाई टू, यानी कि मैक्सिमम कब आएगी रेंज, जब आप ये हाइट ओरिफिस की टॉप से कितनी रखोगे h बाई टू रखोगे, तो ये एक सिंपल सी बात है, h बाई टू का मतलब क्या है, मिड में करोगे टैंक के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये h की वैल्यू h बाई टू है, तो h बाई टू का मतलब क्या है, इसके मिड में, तो यहाँ मिड में ही करोगे तो वो नीचे से भी h बाई टू है, ऊपर से भी h बाई टू ही है, क्लियर है। तो मिड में अगर आप होल करोगे बिल्कुल, तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी आपको, तो कितनी मैक्सिमम जाएगी रेंज, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो जो रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास वो ये था, 4h h माइनस में h, ये था। तो यहाँ पर देखो आप ज़रा, 4h की वैल्यू h बाई टू, यहाँ h माइनस में h की वैल्यू भी h बाई टू, h में से h बाई टू माइनस करोगे तो h बाई टू ही आएगा, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है, तो ये h बाई टू ही आएगा h में से। अब 1 में से 1 बाई टू माइनस करोगे तो 1 बाई टू ही आएगा ना, वो वाली बात है, ठीक है। अब ये 2 से 2 टू ज़ा 4, मतलब 2 टू 4, और ये 4 कट गया, h स्क्वायर बचा इधर, h स्क्वायर का ये है स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया, तो मैक्सिमम जो रेंज आ गई हमारी वो क्या आई है, हाइट के इक्वल, यानी कि जितनी टैंक की हाइट होगी, ठीक है, अगर उसके मिड में आप होल करोगे छोटा वाला, तो यहाँ पर जो इसकी जो ये रेंज जाएगी वो कितनी जाएगी, जितनी ये हाइट है ना टैंक की, उतनी ही रेंज जाएगी। मान लो ये 10 मीटर का है टैंक, मान लो ऐसे 10 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 2 मीटर का है ये, ठीक है, तो 2 मीटर की यहाँ रेंज जाएगी इसकी, ऐसे अगर मिड में बिल्कुल होल करोगे तो। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई है आपको, ठीक है। तो ये था हमारे पास टोरिसेली लो, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स बोलते हैं। कर लोगे इसको या नहीं करोगे बताओ जरा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, तो इसे कर लेना अच्छे से, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।